कथ्य है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में विद्यार्थियों जैसा कि हम घृण संहिता में पहला अध्याय सटकर्म समझ रहे हैं और सटकर्म विद्यार्थियों हमने तो दो धोती हम समझ रहे हैं धोती में विद्यार्थियों जो है हमने दो यानी अंतर धोती और दंत धोती समझ लिया तीसरे नंबर की हृदय हृदय धोती इसमें समझेंगे तो चलिए और आप नोट्स भी साथ में बनाएंगे मैं आपको बता दे रूँ पहले ही और पेन और बुक्स यानी कापी पेज कुछ भी निकालिए और लिखना शुरू करिए चलिए हृद धोती समझें विद्यार्थियों और कितने प्रकार की होती है यह तीन प्रकार की होती है यानि दंड धोती धोती और वस्त्र धोती दंड धोती वमन औ, औ, कैसे कैसे सफाई होती है इससे दंड धोती से वमन से और वस्त्र से इसकी सफाई होती है यानी तीन भाग तीन, भा, तीन भा, इसके भेद हैं हृदय धोती की ये आपको ध्यान रखना है इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन विद्यार्थियों हृदय हृदय धोती के तीन प्रकार जैसे कि और जो ये दंड धोती के किससे करना है केला हल्दी के डंठल से ये भी नोट कर लें ये क्वेश्चन आता है और आया भी है केला हल्दी के डंठल से ठीक विद्यार्थियों इसका दंड धोती समझे कि केले के पत्ते के डंठल को जो केले का पत्ता है केले का आप सभी ने देखा होगा कि डंठल को या हल्दी के पत् हल्दी के पत्ते का डंठल चाहे केले का अगर केले का नहीं तो हल्दी का भी चलेगा को या वेद के डंडे को तीन बताया इसमें केले के पत्ता के डंठल हल्दी के पत्ते का डंठल और वेंत वेंत के डंडे यानी वेद के डंडे को हृदय तक ले जाकर फिर धीरे से निकालें यानी थोड़ा सा अंदर ले जाना होता है मुँह से और तो तो फिर बाहर निकालना होता है ये ध्यान रखना है दोबारा समझ लें विद्यार्थियों कि केले के पत्ते के डंठल को या हल्दी के हल्दी पत्ते के डंठल को या वेद के डंडे को हृदय तक ले जाकर फिर धीरे से निकालें यह ध्यान रखना लेकिन यह भी ध्यान रखें विद्यार्थियों आप अपने आप घर में ये सब कुछ नहीं करेंगे जो अच्छा योग शिक्षक हो जिसने काफ़ी साधना कर रखी हो उससे ही ये सीखेंगे कथा कत कथा कथाकथित योग शिक्षकों से नहीं सीखेंगे ये ध्यान रखना है नहीं प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है केवल आप ग्रंथ के अकॉर्डिंग समझ लें और एग्जाम देना चाहते हैं तो इसको एकदम अच्छे से रट लें याद कर लें अगर सीख सीखना है इसको व्यवहारिक रूप में उतारना है तो आप इसको पढ़ नहीं घर में सीखेंगे घर में नहीं करेंगे इसको किसी योग शिक्षक से सीख कर उसके सामने ही इसका प्रयोग करनी है ये आपको ध्यान रखना है लेकिन इतनी चीज़ें आप नोट्स बना लें इसको याद करना है आपको केले के पत्ते के डंठल और हल्दी के पत्ते के डंठल वेद के डंडे से हृदय की सफाई की जाती है धीरे धीरे और विद्यार्थों लाभ इसका नोट करें साधक उदंड के धोत के अभ्यास से कफ पित्त कफ और पित्त दो चीज़ों का कफ और पित्त और दूसरे तरल पदार्थ है कफ और पित्त इसमें बात नहीं ये ध्यान रखना कफ और पित्त और दूषित जो तरल पदार्थ होता है ऊपर के मार्ग अर्थात मुख मार्ग से बाहर निकल जाते हैं जब हम ऐसा उपाय करते हैं तो और हृदय रोग जो विभिन्न प्रकार के हृदय रोग हो जाते हैं हृदय रोग और उसकी संभावनाएं नष्ट हो जाती हैं यानी संभावनाएं अगर हो रहती वह अभी नष्ट हो जाती हैं और किसी प्रकार का हृदय रोग होता है वह तो नष्ट हो ही जाता है किससे दंड धोती से ठीक और हृदय धोती यानी हृदय की सफाई है ही नाम ही उसका हृदय हृदय धोती है अब आगे दूसरे नंबर का हम समझें वमन धोती विद्यार्थी वमन धोती बुद्धिमान सातक भोजन के बाद इसको कब करना है भोजन के बाद कंठ पर्यंत जल पिए वमन धोती वमन आपने नाम सुना होगा जैसे कहते हैं उल्टी बोल देते हैं सामान्य भाषा में पलटी बोलते हैं लोग उसे वमन धोती बुद्धिमान साधक क्या करता है भोजन के बाद ये आप नोट करें कब उन्होंने कहा था भोजन के बाद कंठ पर्यंत जल यानी गले तक जल पिए फिर कुछ क्षण ऊपर देखें यानी ऊपर आपको देखना है उस पिए हुए जल का वमन कर दें उस पिए हुए जल का वमन कर दें इस क्रिया के अभ्यास से दूषित कफ पित्त निकल जाएगा क्या निकलेगा दूषित कफ और पित्त अगर जो कफ पित्त आपका बढ़ा होगा कफ पित्त से रोग जो उत्पन्न हो जाते हैं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के वो निकल जाएगा वमन धोती से तो आपने समझ लिया दंड धोती में ये अब जो है सॉरी यानी हद धोती में दंड धोती और वमन धोती समझ लिया अब तीसरे नंबर का विद्यार्थी वस्त्र धोती समझें आप इसको किस प्रकार करना है चार अंगुल चौड़ा पतला वस्त्र धीरे धीरे निगले चार अंगुल चौड़ा पतला वस्त्र धीरे धीरे निगले फिर धीरे धीरे निकालें यह ध्यान रखना है और इसे धौती कर्म कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है धौती कर्म कहा जाता है ये आप नोट करें इसे धौत कर्म कहा जाता है और कि चार अंग कितना चौड़ा रहेगा चार अंगुल चौड़ा और पतला वस्त्र धीरे धीरे निकलें और फिर धीरे धीरे निकालें ठीक और लाभ विद्यार्थियों जब ये ऐसा करेंगे तो जो ये पित्त वगैरह बढ़ा रहता है तो उसमें उस कपड़े में लग जाता है ना उस अनुसार सफाई हो जाती है और विद्यार्थियों लाभ इसके नोट करें इस धौत के अभ्यास से गुलम ये नोट करें गुलम यानी वायुगोला आदि जो रोग होते हैं रोग उत्पन्न होते हैं ज्वर कुष्ठ ज्वर कुष्ठ रोग प्लीहा प्लीहा यानी तिल्ली के रोग और कुष्ठ तथा कफ और पित्त से विकार होने वाले कफ और पित्त से विकार से होने वाले रोग नष्ट हो जाते हैं क्योंकि यही कफ पित्त तो दूर होता है ना वस्त्र जब अंदर जाता है तो तथा साधक को बल बढ़ता साधक का बल बढ़ता है लाभ साधक का बल बढ़ता है और शरीर पुष्ट होता है यानी इसके कितने लाभ हैं गुलम यानी वायु गोला आदि के रोग दूर होते हैं ज्वार कुष्ठ प्लीहा यानी तिल्ली के रोग और कुष्ठ तथा कफ और पित्त से विकार से होने वाले जो रोग नष्ट होते हैं वे सभी नष्ट हो जाते हैं और साधक का बल बढ़ता है और शरीर पुष्ट होता है तो आशा करते हैं विद्यार्थियों आपने हृदय बहुत समझ लिया होगा जहाँ कहीं ना समझ मैं आया हो कमेंट बॉक्स में शेयर करें मैं आपको दोबारा समझा दूँगी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए और खुद देखिए दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए धन्यवाद विद्यार्थियों